विधानसभा का घेराव करेंगे, देखते हैं कितना किसमें दम है। बाबा साहब ने जो पावर दिया है हमको, उसकी बदौलत आज हम लोग 145 दिन बैठे हैं। नहीं, ये लोग उखाड़ के हमको फेंक देते, सरकार न्याय देते, हम लोग चले जाएंगे। अगर न्याय नहीं देते तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इसको चुनाव में भी इनको बताएंगे, जोगी जी को समझ में आ जाएगा। क्या चुनाव में भारी असर पड़ेगा? अरे हम लोग बताएंगे इनके, विधानसभा में हर क्षेत्र में जाएंगे, बताएंगे, इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। इनका 14 को मौर्य सम्मेलन है, फिर केशव जी बोल नहीं पाएंगे। केशव क्या, कोई नेता नहीं बोल पाएगा, कीड़े मकोड़े समझते हैं, हमारी माताओं बहनों को छेड़ते हैं, जहाँ जब जरूरत पड़ती है हमारे लोगों को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। जी, उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि आप सीटों का बंटवारा होगा उत्तर प्रदेश में अपना दल का, तो उनको आरक्षण का न्याय देना पड़ेगा, इन लोगों के साथ न्याय करना पड़ेगा, वरना सीटों का बंटवारा नहीं होगा। ये गुंडे लोग हैं, ये सरकार में सिर्फ और सिर्फ पीछे दलितों का अहित कर रहे हैं, सरकार पीछे दलितों को इग्नोर कर रही है। साथियों नमस्कार, आज हम फिर से जो है 2 महीने के बाद लखनऊ इको गार्डन में पहुंच चुके हैं, जहां पे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, लगभग 145 दिन से आंदोलन चला आ रहा है, लेकिन इस पर जो है योगी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। लगातार जो है यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। यहां पे 2 महीने पहले 7 सितंबर को जो है चंद्रशेखर रावण भी आए थे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा यहाँ पे उनके आने से। लगातार अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, और भी सारी बातें हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश प्रजापति है। कब से आंदोलन कर रहे हैं? ये आंदोलन हमारा 145 दिन हो गए आज लगातार धरने को चलते हुए। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम लोग यहाँ पर इको गार्डन में बैठे हुए हैं, और सरकार हमारी मांगों को अभी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि बीच बीच में सरकार से मुलाकात होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन से काम चलाते हैं, लेकिन कई बार आश्वासन मिलने के बाद अब हम लोगों का एक ही लक्ष्य रह गया है कि सरकार को किसी भी प्रकार मजबूर कर देना, ताकि वो हमारे हक और जो घोटाला किया है उसको वो पूरा करें। मजबूर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों से लंबा संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, मजबूर करने के लिए जो एक शिक्षक हैं वो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो अपने जो भी अकॉर्डिंग अपने जो भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, अपने हक के लिए यहाँ पर अनुशासन के साथ में रहते हुए यहाँ पर हम लोग अपने उनको मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट जो होते हैं हम लोग के साथ में, कई विपक्ष की पार्टियां आ रही हैं, सभी विपक्ष हमारे साथ में हैं, सपा हो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, लल्लू जी हो, अभी उनसे भी बात हुई है, तो ये सभी दल हमारे साथ में बैठ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ ये जो आपके साथ में घोटाला हुआ है, क्योंकि ये घोटाला हम सिर्फ अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, मोदी आयोग और जो इन्होंने भाजपा आयोग जो बनाया, उन्होंने मिल के बनाया है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक अपनी स्वतः एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि हम लोग 1 साल केस लड़े हैं उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी है, और ये सरकार इतनी तानाशाही सरकार हो गई है कि ये उसी रिपोर्ट को लागू करने से पीछे हट रही है। क्या लगता है कि जब इतना संघर्ष चल रहा है न्याय मिल सकता है नहीं मिल सकता, अपने अंदाज से बताइए। देखिए, न्याय देना उनकी मजबूरी बनेगी और न्याय लेना हमारा हक है, और उसको हम ले के रहेंगे। जैसा कि अभी इधर सुनने को मिला, यहाँ पे सभी पार्टियों और दल के नेता आए थे, चाहे वो लल्लू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, और चंद्रशेखर रावण भी आए थे। उनके आने से और अनेक नेताओं के आने से कोई असर नहीं पड़ा क्या भैया? कोई असर नहीं पड़ा? देखिए, असर पड़ेगा। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये सरकार में सिर्फ और सिर्फ पीछे दलितों का अहित कर रहे हैं, सरकार पीछे दलितों को इग्नोर कर रही है। इनको पता होना चाहिए कि पीछे दलितों की वोटों से ये लोग राज कर रहे हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, 5 कालीदास मार्ग में बैठे हैं। 23 नवंबर को हमारा आंदोलन फिर से है, उस 6 सितंबर को फिर से हम लोग दोहराएंगे, और अब की बार विधानसभा का घेराव करेंगे, देखते हैं कितना किसमें दम है। इनका पुलिस प्रशासन, इनके आला अधिकारी, अभी भी समय है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, पूरे देश और प्रदेश की जनता से बताना चाहते हैं, पिछड़े दलितों से बताना चाहते हैं कि ये जो आरक्षण का घोटाला है ये सिर्फ और सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये जो हमारे पीछे दलित जिनकी हकमारी हुई है इस भर्ती में, उनके लिए है कि अभी जागिए, इनको बताइए कि पीछे दलित
कमज़ोर नहीं हैं, पिछड़े दिल लड़ना जानते हैं, तमाम पार्टियों का समर्थन है, तमाम संगठन। क्या लगता है इस आंदोलन से जो है 2022 का चुनाव होने वाला है उसमें असर पड़ेगा? ये योगी बाबा को भी पता है और तमाम विपक्ष को भी पता चल गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला इस विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के अभी भी बोल रहे हैं। किसी भी मंच से देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में नया अनुप्रिया जी लगी हैं, वो इतना तक उनकी जो कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जी हैं वो बोल दिए हैं कि हम इनसे अलायंस और सारा पार्टी का बंटवारा, मतलब टिकट का बंटवारा तभी होगा जब 69,000 शिक्षक भर्ती पर न्याय मिलेगा। तो ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा, अब ये सिर्फ यहाँ 10 लोगों के बैठने का मुद्दा नहीं है, ये जन जन का मुद्दा है। गांव में आप किसी भी एक छोटे अदने से बालक से पूछिए, वो कहता है हाँ आरक्षण घोटाला हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती पे 145 दिन से आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन इतना छोटा आंदोलन नहीं है, ये पीछे दलितों के हक और अधिकार को दिलाने वाला आंदोलन है और उनको जगाने वाला आंदोलन है। हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं कि हमारे पीछे दलित जागें और ये समझें कि हमारा हक मारी हो रहा है, हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है, ये सरकार हमको वोट समझ रही है सिर्फ और सिर्फ। ससमय जब जरूरत पड़ती है इनको तो ये लोग हमसे वोट ले लेते हैं और फिर बताते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है, जब हमारे साथी सब जाते हैं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में तो केशव प्रसाद मौर्य भारत माता की जय बोलते हैं। वहाँ पे देखने को मिला जो है 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो है वहाँ भी पहुँच गए और केशव प्रसाद मौर्य जो है कट कर, इनका 14 को मौर्य सम्मेलन है, फिर केशव जी बोल नहीं पाएंगे। केशव क्या, कोई नेता नहीं बोल पाएगा? अगर आप पिछड़ों का सम्मेलन करोगे, पिछड़े दलितों का हक नहीं दोगे, पिछड़े दलितों का सम्मेलन करोगे तो वहाँ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। क्यों पिछड़े दलितों का नाम ले रहे हो? पिछड़े दलित हम भी हैं, या तो कास्ट सर्टिफिकेट सब हटा दें। क्यों पिछड़े दलित हमको बनाए हैं? सोशल मीडिया पे जो है उच्च वर्ग वाले लोग कहते हैं इसमें जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ घोटाला नहीं हुआ। देखिए उच्च निम्न बांटने वाले ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि पीछे दलित वोट हैं, इनके लिए लात जूता खाने के लिए इनके लिए इनके घुटनों पर नीचे बैठने वाले। तो वो ज़माना बदल गया, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और संविधान में सीधे सीधे है कि हम अपने हक अधिकार के लिए हर जगह बोल सकते हैं, हर जगह लड़ सकते हैं और लड़ भी रहे हैं। हम यही बता रहे हैं कि बाबा साहब ने जो पावर दिया है हमको उसकी बदौलत आज हम लोग 145 दिन बैठे हैं। नहीं, ये लोग उखाड़ के हमको फेंक देते, कहीं दबा देते, कहीं एक्सीडेंट करवा देते, गोली मरवा देते। और तमाम धमकियाँ इनके मंत्रियों द्वारा दी जा रही हैं कि तुम लोग पीछे दलित हो, होश में रहो, हैसियत में रहो। तो मैं भी उस मंत्री को बताना चाहता हूँ, सारे आम जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पूरे लोकतंत्र की हत्या। तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसी दिन, ये लोकतंत्र को कभी मानते ही नहीं थे, ये आरएसएस के लोग, ये अपना झंडा, अपना स्पेशल झंडा है, इनका अपना संविधान है, स्पेशल है, ये कहाँ संविधान को मानने वाले। ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ती है दिखावे पे बताते हैं कि ये संविधान है, तमाम ये है वो है, तमाम हम सब कुछ मानते हैं, हम पीछे दलितों को मंत्री बनाते हैं। किसी मंत्री बना देने से हमको न्याय मिला? बताते हैं कि पूरा प्रदेश और देश में बैनर लगवाया पीछे दलितों को हमने जितना अधिक मंत्री पद दे दिया, वो पीछे दलित का मंत्री पद मिल जाने से हमें न्याय मिल गया? 145 दिन से यहाँ भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं, डेंगू हो रहा है। हमारा भाई विजय यादव अभी भी एडमिट है, अभी हम 10 दिन पहले एडमिट हो गए, ढंग से बैठ नहीं पाते, बोलने पे शरीर कांपने लगती है। लेकिन हम जान रहे हैं अगर हम अपने हक अधिकार पे बोलना बंद कर देंगे तो ये डाके वाले लोग हैं, डाकू लोग हैं, हक अधिकार को छीन को हमको लात जूता खाने के लिए, हमको जात सूचक गालियां देने के लिए छोड़ देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती इतिहास लिखेगी। कोई भी आरक्षण और कोई भी पीछे दलितों पे अगर उठाएगा आंख तो उसकी आंख नोच ली जाएगी। और मैं खुले मन से कह रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पीछे दलितों को आप वोट न समझे, पीछे दलित अब जागे हैं, अपना अधिकार तुम्हारे सीने पे चढ़ के तुम्हारी आंख में आंख डाल के छीन के लेंगे। धन्यवाद। इधर अभी सुनने को मिला, अब जो है पिछड़ा वर्ग एससी ओबीसी जो है जाग चुका है, आप अपना अधिकार जो है लड़ कर लेगा। और आपका परिचय क्या है? अमरेंद्र सिंह पटेल मेरा नाम है, प्रयागराज से हैं। और जो योगी ने इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया उससे क्या मिला हमको? ये दर दर भटकने के लिए आरक्षण का घोटाला कर दिए, प्रयागराज नाम करके इलाहाबाद वालों को यहाँ बता रहे हैं कि वो इलाहाबाद वाले लोग नहीं प्रयागराज वाले लोग हैं। तो ये बाबा जी जो नाम बदलने का काम कर रहे हैं, तो हम पिछड़े दलितों का नाम बना के ब्राह्मण हमको बना दें, क्षत्रिय बना दें, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अपने बगल में बैठा है, इनके जो मनोवादी सोच वाले लोग हैं हमको क्या समझते हैं? कीड़े मकोड़े समझते हैं, हमारी माताओं बहनों को छेड़ते हैं, जहां जब जरूरत पड़ती है हमारे लोगों को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। इन सब पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है लोगों को, अभी समय है, जाग जाइए। बाबा साहब ने जो हथियार औजार हमको ये संविधान नामक चीज़ दिया है, इसको ले कर लड़े लोग। आज ज़रूरत है सड़कों पर खून बहाने का,
तब जाके ये सरकार बदलेगी। नई सरकार बदली, 5 साल बाद कोई बोलना नहीं सीखेगा। ये लोग मनुवादी संविधान लगा देंगे, ये संविधान को ख़त्म करके मनुवादी सोच के ये पूरा सिस्टम जो बनाया है ये आरएसएस वाले, आरएसएस सरकार चलाएगी, हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीनों पर घूमेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब आरएसएस जो है मनुवादी संविधान लागू कर दे, यहाँ सुनने को मिल रहा है। और ये लोग कह रहे हैं लोकतंत्र पे जो है गंभीर चोट दी जा रही, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अजय जायसवाल है, मैं अयोध्या अच्छे से हूँ। मैं आपको बता दूँ जो हमारे भाई साहब अमरेंद्र सिंह पटेल जी कह रहे हैं, जो बाहुबली अमरेंद्र सिंह बाहुबली जी बता रहे हैं कि जो कुटाराघात हम लोग के आरक्षण पर किया जा रहा है, आप ये समझ सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार के साथ हनन हुआ है, जो हमें समानता का अधिकार देता है। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसमें लास्ट पे उनका कंक्लूजन लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन हुआ है। आप समझ सकते हैं इसका उल्लंघन करने पर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि जो है हमारे साथ इसका उल्लंघन हुआ है, हम न्याय के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग बनाया गया 2017 में, वो हमें आरक्षण और हमारे जो पिछड़े दलित हैं उनके अधिकारों के हनन जो होता है उससे लड़ने के लिए वो एक कोर्ट है, न्यायिक संस्था है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार 27% की जगह OBC को 3.86%, मतलब 4.25% मिला हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इसमें घोटाला हुआ है। और OSC के भाइयों के साथ 21% की जगह उनको 16.6% मिला हुआ है। 20,000 सीटें सरकारी नौकरी की कम नहीं होती, इतनी बड़ी सीटें नहीं आती हैं। ये एक घोटाला तो बहुत बड़ा हुआ है। अगर और सरकार आश्वासन दे रही है, हम आश्वासन से जरा भी वो नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जो अपने आप को राम राज्य के राजा बताते हैं, वो एक हफ्ते का टाइम देने के बाद भी वो हम लोग की नौकरियाँ नहीं दिलवा पा रहे हैं। क्या लगता है अब आपसे आपके बीच मुख्यमंत्री जी की बातचीत होगी? ज़रूर होगी, क्योंकि आपको उनको ये समझना पड़ेगा, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि ये मुद्दा अब हर पार्टी, रीजन क्या है, क्योंकि ये एक सरकारी संस्था द्वारा दिया गया हुआ आदेश है, न्याय है। अगर उन्होंने खुल के कह दिया तो हर एक पार्टी, स्वाभाविक सी बात है चुनाव का समय है, हम अगर मना भी करेंगे तब भी वो ये मुद्दा उठाएंगे। अगर हम ना भी कहें आप हमारा मुद्दा जोर शोर से मत उठाइए, लेकिन कोई भी है जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो वो ये मुद्दा बनाएगा, उठाएगा। यहाँ तक कि लोग इसे अपने मैनिफेस्टो में जगह दे रहे हैं, इसे पहले नंबर पर तवज्जो दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है कि हर पार्टी के लोग हर मंच पे, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, आप भारत के किसी भी मंच पे, नेशनल मीडिया हमारी बातों को नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन अब वो मजबूर हो गई है। वो अब गोदी मीडिया से थोड़े थोड़े कभी कभी पत्रकारिता अपने निभा रही है, वो कभी कभी आवाज़ उठाने को विवश हो जाती है, क्योंकि हर पार्टी विपक्ष का इंटरव्यू लेती है तो विपक्ष इंटरव्यू में यही बोल देते हैं। उनके सहायक आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दल के, आशीष पटेल जी, उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि आप सीटों का बंटवारा होगा उत्तर प्रदेश में अपना दल का, तो उनको आरक्षण का न्याय देना पड़ेगा, इन लोगों के साथ न्याय करना पड़ेगा, वरना सीटों का बंटवारा नहीं होगा। और हो सके तो अपना दल के लोग, अगर ये लोग आरक्षण का न्याय नहीं करेंगे तो हम यही मांग करते हैं कि आप इनसे गठबंधन तोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तभी आपका सपोर्ट करेंगे। अगर ये सरकार पिछड़ों का न्याय नहीं करती है तो आप उनसे जुड़कर आप हमारा विश्वास अपने आप से मत खोइए। धन्यवाद। जिस तरह से लगातार आपको बताएं कि आंदोलन चल रहा था और बातचीत भी हुई, यहाँ सुनने की यो भी मिला कि जो है एक बार आंदोलन हो चुका था, लाखों की भीड़ में हुआ था, जब चंद्रशेखर आए थे और कांग्रेस के लोग आए थे, बहुत सारे नेता लोग आए थे। हो सकता है इससे बड़ा भी आंदोलन आगे होगा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो, और विधानसभा का कुछ करेंगे ये लोग। और यहाँ पे जो है OBC का 27%, SC का 21% आरक्षण लागू करे उत्तर प्रदेश सरकार का, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या नाम है भैया? आशीष कुशवाहा। क्या कहना चाहेंगे आरक्षण घोटाले को लेकर? अरे सरकार ने बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला किया है, अब सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें न्याय दें। क्या नाम है आपका? विजय यादव। क्या कहना चाहेंगे जो लगातार आंदोलन चल रहा है, लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है? सरकार न्याय दे दे हम लोग चले जाएंगे, अगर न्याय नहीं दे देगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इसको चुनाव में भी इनको बताएंगे, जोगी जी को समझ में आ जाएगा। क्या चुनाव में भारी असर पड़ेगा? अरे हम लोग बताएंगे इनके, विधानसभा में हर क्षेत्र में जाएंगे, बताएंगे, इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे, अगर हमें न्याय दे देंगे तो भाई अलग बात है। यहाँ पे जो है अब युवा जो है कह रहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और न्याय लेने का काम करेंगे।